ऐसा जो है ये फ्रीजर डिपार्टमेंट है पूरा, इसमें जो भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में रखोगे वो जम जाएगी। ड्राई फ्रूट आइसक्रीम अगर यूज़ होता है तो नॉनवेज वगैरह इसमें स्टोर करते हैं, ठीक है। अगर जैसे पानी वाला कोई भी चीज रखते हैं तो जम जाएगी वो, जम जाए, और अगर ड्राई रखते हैं तो ड्राई रहेगी वो, ड्राई रहेगी। ये आपका रेफ्रिजरेटर डिपार्टमेंट है, इसमें जो भी चीज़ रखेंगे सिर्फ ठंडी होगी। ये बॉटलें रखने का दिया हुआ है एक एक्स्ट्रा, ये बड़ी बॉटलें रखने का, ये हमेशा भर के रखना है, मतलब ये खाली हो जाए तो इसको भर दें, है ना। ये यूटिलिटी बॉक्स है, पके हुए खाने इस पर रखना है, कच्ची सब्जी इसमें रखना है, ये दोनों डिपार्टमेंट में कच्ची सब्जी रखना है। इसको फ्रूट की तरफ करके रखना है, ठीक है। ठीक है, फ्रूट की तरफ करके रखेंगे, मॉइस्चर बाहर आता रहेगा। 2 घंटे बाद इसमें सामान रखना है, ये टेम्परेचर बढ़ाना घटाना जो भी करना है वो यहीं से करना है। ये फ्रीजर का टेम्परेचर है इस साइड का, इसको लिहाजा -19 पे रखते हैं, ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो -24 पे रखते हैं। फुल 24 है इसमें, फुल -24 है, कम -14 है, तो इसको सबसे कम 14 ही है, हाँ इसको 19 पे रखना है। ये फ्रिज का टेम्परेचर है 1 डिग्री ज़्यादा कूलिंग के लिए, 60 डिग्री कम कूलिंग के लिए, ठीक है। उसको 3 पे रखना है। अगर क्यूब्स चाहिए तो इसको क्यूब्स पे कर ले, पानी चाहिए तो पानी पे, क्रश्ड चाहिए तो क्रश्ड पे, वैसे इसको वाटर पे जनरली रखते हैं, ठीक है। वाटर पे रहने दें, जब क्यूब्स चाहिए तो क्यूब्स तो निकाल लें। ये जो दिया हुआ है डिपार्टमेंट, ये पूरा निकल जाता है, ये निकाल लें, इसमें क्यूब्स क्रश्ड इकट्ठा होती है, है ना। अगर आपको ये डिस्पेंसर बंद करना है तो ये ये यहाँ पर लग जाएगा, तो फिर ये यूज नहीं होगा, नहीं। फिर इसमें पानी भरने की जरूरत भी नहीं है, फिर जरूरत नहीं, फिर पानी तो भरे, पानी तो डायरेक्ट पाइप से आता है। अच्छा, पानी अकेला बर्फ वगैरह का सिस्टम बंद हो जाएगा, का सिस्टम बंद हो जाएगा, ये इसमें इसके लिए दिया हुआ है। हाँ, ये क्योंकि बहुत सवाल रहता है लोगों का काई के लिए, तो इसीलिए मैंने आपसे बिना पूछे आपने। नहीं, वो पूछता भी मैं काई के लिए, वो देखा था मैंने नीचे रखा पर। ये बर्फ भी जम जाएगी तो भी इसको निकाल नहीं है ना, कभी जैसे कभी क्यूब्स नहीं आए ना तो उसको निकाल के साफ कर लेंगे। ये हाइजीन फ्रेश है, पावर ऑन कर देंगे, ये ऑन कर देंगे, ये ब्लू कलर की लाइट जलने लगी, ठीक। ये एक बार में ऑन हुआ, दूसरी बार में पावर पे चला गया, तीसरी बार में ऑफ हो गया। पावर का मतलब होता है ज़्यादा देर चलता है, ऑटो में थोड़ी देर चलता है बंद होता है, और पावर में कंटिन्यू ज़्यादा चलता है। इसका क्या फायदा, इसका क्या फ़ायदा है, इसमें बेड स्मेल ख़त्म करता है। अच्छा, स्मेल ख़त्म कर देता है, तो ये हर टाइम ऑन नहीं रहता, अपन को ऑन करना पड़ता है जब आपका दिल चाहे जब ऑन करना, ठीक है। एक्सप्रेस फ्रीजिंग है, फास्ट कूलिंग के लिए, या फ्रिज में ज़्यादा कूलिंग जल्दी चाहिए तो एक्सप्रेस फ्रीज, तो ये सभी में कूलिंग करेगा पूरा फ्रिज में, हटा दिया इस साइड जाए। ये चाइल्ड लॉक सिस्टम है, इससे फ्रिज चाइल्ड लॉक हो जाएगा। ये लॉक, चाइल्ड लॉक का मतलब दरवाजे लॉक नहीं होता, ये डिस्प्ले लॉक हो जाता है। अच्छा, डिस्प्ले लॉक हो जाएगा अकेला, और ये ओपन कैसे होगा? इसी से ओपन, इसी से ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया, ठीक है। जी, इसमें जो वाईफाई का सिस्टम दिया है ये क्या है? वाईफाई का सिस्टम ऐसा है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, थिंक यू, ठीक है, है ना। इसको 3 सेकंड होल्ड करके रखो, ये वाईफाई कनेक्शन आ गया, उसके बाद फिर कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट होके फ्रिज इससे चलने लगे। चलो ठीक है, वो तो कर लूँगा। इसके अलावा और क्या बचा? कुछ नहीं बचा, बस नॉर्मल चालू करो। लेवल एडजस्ट कर दिया, जो लेवल एडजस्ट करना था, वेजिटेबल वगैरह इसमें रखें। इसमें अपन जैसे गरम खाना, एकदम गरम खाना नहीं रखना, बिल्कुल गरम खाना नहीं, नॉर्मल गरम रख सकते हैं, मीडियम, है ना, ठीक है। और इसके अलावा और इसमें सावधानी वाली क्या क्या चीज़ें हैं वो बता दो। क्या रखा जाता है सब्जियों में? स्टील को अवॉइड करें, कम रखें स्टील, स्टील ना रखें इसमें, कम रखें। अच्छा ठीक है, स्टील के बर्तन ना रखें ज़्यादा, कम रखें। इसमें क्या हो रहा, कौन सी लाइट? और इसमें प्लास्टिक के रख सकते हैं सारे सामान, प्लास्टिक और चालू एक बार कर दी तो चालू ही रहेंगे हमेशा, बंद की कोई दिक्कत नहीं है। पानी वानी तो नहीं होता इधर उधर से निकलता, जैसे इसमें पीछे टब रहता है, इसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। जैसे कहीं
बाहर जाते तो फिर 8 दिन का जीरो माइनस पे कर वो उस पे कर जाए 14 पे और एक साथ तो चालू छोड़ना पड़ता है कहीं भी जाओ तो कहीं फुल पे ही रखो उसको, मतलब फुल पे उस पे कर दो मैगजी जो अपना कम नहीं करो थोड़ा हाई कर दो ताकि 14 पे कर दे ना। हाँ और इसको अपन 7 पे कर दो। ये तो मोबाइल से भी कंट्रोल हो सकता है वो तो सब कहीं से भी नहीं जैसे अपन कहीं जाते हैं तो उसमें क्या है पावर का भी कभी प्रॉब्लम होती है।